नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है टेक्निक गुरुजी के लिए। आज मैं नया सेगमेंट लेकर आया हूं। दही, बहुत सारे व्यूअर्स बोल रहे थे कि भाई नैनो सेल टेक्नोलॉजी क्या है, बेसिकली होता क्या है, आज तक कुछ पता नहीं, और 4K क्या ये 4K से बेहतर है या कम है। तो आज हम बात करेंगे नैनो 55 इंचेस में नैनो 75 मॉडल के बारे में। तो दोस्तों, ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं नैनो 75 लगा हुआ है मेरे पास 55 इंच में। तो इसकी अगर बात करें ना टेक्नोलॉजी की दोस्तों, तो बेसिकली देखो नीचे मेरे पास एक मॉडल लगा हुआ है 55UQ8050 बेसिकली 4 ब्लॉक पिक्सल्स में काम करता है, यानी कि जो उसका स्क्रीन साइज होता है उसको 4 ब्लॉक्स में बांटा जाता है और उसी 4 ब्लॉक्स में उसके पिक्सल्स काम करते हैं, राइट। लेकिन इसमें क्या होता है नैनो सेल में, इसमें माइक्रो पिक्सल्स बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है जिसकी सहायता से वो डिवाइड हो जाता है 8 ब्लॉक पिक्सल्स में। 8 ब्लॉक पिक्सल्स पे, यानी कि एक स्क्रीन साइज को 8 ब्लॉक्स में बांट दिया जाता है, जिसकी वजह से उसके पिक्सल्स की क्वांटिटी एंड उसकी जो साइज होता है वो 40 टाइम स्मॉलर हो जाता है एज कम्पेयर विद अदर LED साइज। फर्स्ट, सेकेंड, अब क्वांटिटी बढ़ेगी पिक्सल्स की तो ऑब्वियस ही बात है कि उसमें डिटेलिंग और कलर कॉन्ट्रास्ट बेहतर मिलेगा। तो बात करें नॉर्मल 8050 के कंपैरिजन में इसकी नैनो सेल की ब्राइटनेस की, तो नैनो सेल 30% इसका मोर ब्राइटर मिलता है पहले। दूसरी बात करें अगर फीचर्स की, तो फीचर्स 8050 और नैनो सेल में दोनों में ही बराबर मिलेंगे। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ ये रहेगा कि नैनो सेल टेक्नोलॉजी में ब्राइटनेस थोड़ी इनहेंस हो जाती है, तो फर्क सिर्फ आप पिक्चर क्वालिटी में ही देख सकते हैं, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। साउंड क्वालिटी की बात करेंगे तो दोनों में ही डिजाइन साउंड मिलती है। LG अपना स्पेशल इक्वलाइजर सेट करके चलता है जिसकी वजह से आपको सिनेमैटिक इफेक्ट, थंपिंग इफेक्ट और सराउंडिंग इफेक्ट दोनों मिलते हैं, तो ये आपको बेनिफिट मिल गया। प्लस अब बात करते हैं इसके रिमोट कंट्रोल की। तो इसके साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक TV आता है 32 इंचेस में जिसका मॉडल है 32LQ573 के साथ नॉर्मल रिमोट आता है, लेकिन आप इसको परचेज करके ये भी लगा सकते हैं तो कंपैटिबल है पहला। दूसरा, उसके ऑन एंड अबव जितने भी मॉडल्स हैं वो सारे के सारे आपके मैजिक मोशन रिमोट कंट्रोल के ही साथ आते हैं। तो इसमें एडवांस एक तो ये मिलता है कि आपको तीनों वॉइस असिस्टेंट मिल जाते हैं। पहला अगर आप देखेंगे तो गूगल असिस्टेंट मिलेगा, दूसरा अमेजोन एलेक्सा, तीसरा LG का खुद का है थिंक यू। तो ये बेनिफिट मिलते हैं, 1 क्लिक पर आप तीनों एक्सेस कर सकते हैं। प्लस अब बात करें मैजिक मोशन रिमोट कंट्रोल है क्या, तो अब आप देखिए जैसे मैं रिमोट को मूव कर रहा हूँ वैसे वैसे एक स्क्रीन पर कर्सर मूव कर रहा है, तो सेम वही वैसे ही काम करेगा। ये कर्सर हेल्प करता है, अब जैसे मुझे कोई वीडियो चलानी है तो YouTube ढूंढने के लिए ना मुझे बार बार बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है रिमोट में, डायरेक्टली मैं जस्ट शेकिंग करूँगा एंड कर्सर मेरा आ गया एंड डायरेक्टली मैं इसको प्ले कर सकता हूँ पहला। दूसरा कि अब इसमें शॉर्ट कीज भी लगा सकते हैं। अगर आप पिक्चर की बात करेंगे तो इसके अंदर आपको प्योर कलर्स 4K रेजोल्यूशन मिलेगा। नॉर्मली 4K कलर्स मिलते हैं लेकिन उसको अपस्केल नहीं करता है, तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है अल्फा 5 फिफ्थ जनरेशन AI प्रोसेसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेसर लगा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी ऑटोमेटिकली इन्हेंस होने वाली है। अब वो कैसे होगी ये मैं बताता हूँ। नॉर्मल पिक्चर को यानी कि HD को Full HD में, Full HD को 4K में और 4K की पिक्चर को और अपस्केल करके आपके सामने बेटर एक्सपीरियंस के लिए प्रेजेंट करता है। और बात करें नेक्स्ट फीचर की, तो इसमें ThinkQ AI वेब ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो वेब ऑपरेटिंग सिस्टम में बेनिफिट ये मिलेगा कि एक तो आपका किसी भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आप देखते हैं तो कुछ सपोर्टिंग फाइल्स आती हैं। बहुत सारे व्यूअर्स ये भी पूछते हैं कि एंड्रॉयड और वेब iOS में फ़र्क है, मैं आपको एक बताता हूँ कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम थर्ड पार्टी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होता है, जिसमें पहला तो कोई भी अगर हम पेज ओपन करते हैं, जैसे आप मैंने YouTube ओपन करा है या फिर मैं कुछ भी वीडियो देख रहा हूँ, तो उसके साथ एक सपोर्टिंग फाइल आती है जिसे हम नॉर्मली मोबाइल की लैंग्वेज में बोलते हैं कैश फाइल, राइट। तो वो फोन्स में तो क्लियर करने का ऑप्शन होता है लेकिन TV में क्लियर करने का बहुत डिफिकल्ट होता है, पहला तो ये डिफरेंस होता है। दूसरा, वेब iOS ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या बेनिफिट है कि सबसे पहली बात तो इसमें कैश फाइल्स नहीं आती क्योंकि इनका खुद का सॉफ्टवेयर है, राइट। दूसरी बात कि जैसा आपको एक्सपीरियंस पहले दिन मिलता है वैसा ही आपको लास्ट डे मिलता है, क्योंकि अननेसेसरीली की जो अनयूज एप्लीकेशन है या कैश फाइल्स है वो ऑक्यूपाइड नहीं करती। तो बेसिकली ये फ़र्क रहता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और वेब ऑपरेटिंग सिस्टम में।
बात करें नेक्स्ट, इसकी बात करें होम सिनेमा एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए इस फीचर ने क्या करा कि एक तो आपके एम्बियंट के साथ कंपैटिबल है, आपका जैसा एनवायरनमेंट होगा रूम का उसके अकॉर्डिंगली इसमें देखेंगे भी अगर ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं आता, क्योंकि जबकि डायरेक्ट मेरे पास लाइट्स पड़ रही हैं स्टोर में, तो ये लाइट्स को क्या करता है ऑब्जर्व कर लेता है और जिसकी वजह से एब्जॉर्ब करने के बाद ये रिफ्लेक्शन को नहीं देता। तो इसमें ऑप्टिमाइज कॉन्ट्रास्ट पैनल भी मिलता है जिसकी वजह से आपका सिनेमैटिक एक्सपीरियंस और अच्छा होता है। सेकेंड कि जब हम रूम की लाइट ऑफ करके हम मूवीज़ देखते हैं तो इन दैट केस क्या होता है आँखों पर बहुत चमक लगती है, लेकिन इसमें क्या करेगा कि नैनो सेल के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि अपनी ब्राइटनेस को कंट्रोल करके आपके सामने मोस्ट रियलिस्टिक और नेचुरल कलर्स प्रोवाइड करेगा, जिससे आपका सिनेमैटिक एक्सपीरियंस और अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट बात करें तो इसमें पावरफुल गेम प्ले, एलजी हमेशा से अपना स्ट्रॉन्ग पावरफुल एक प्रोसेसर लेकर आता रहा है जो आपको हेल्प करता है गेमिंग में भी। आज के टाइम पे PS4 PS5 ये सभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, उस केसेस में क्या होता है कि टीवी भी कंपैटिबल होना चाहिए उस डिवाइस के अकॉर्डिंगली। तो इसमें क्या है कि अगर आप इसके साथ कोई भी ऐसा डिवाइस Xbox PS5 PS4 ये सभी चीज़ें ऐसी कनेक्ट करते हैं तो आपको डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है, क्योंकि इसका FPS और रिफ्रेश रेट बहुत हाई है जिसकी वजह से आपको कहीं पर भी आपको लैगिंग या फिर प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पर भी ब्लर नहीं होगी पिक्चर। तो ये ओवरऑल मिला के ना इसका टीवी का एक्सपीरियंस फीडबैक और जो मैंने देखा है अब तक मैक्सिमम जो यूजर्स हैं वो इसका पॉजिटिव ही फीडबैक दे रहे हैं। तो आई रेकमेंड दोस्तों के इसके साथ ज़रूर जाएं और ये वाला टीवी ज़रूर परचेज करें और ऐसे ही लाभ लेते रहें मेरी वीडियोस का और बने रहें मेरी वीडियोस में। और दोस्तों अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों की वीडियो के लिए, तो प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत आप भी कीजिए, वो लाल वाला बटन दबाकर मुझे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को फॉलो करें और यूँ ही प्यार बनाते रहें। धन्यवाद।